Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self agent पर page maker की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप मेन्यू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था लेआउट मेन्यू और उससे पहले हम एडिट और फाइल भी पढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप मेन्यू के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल वन करके हम शॉर्टकट की से इसका 100% स्क्रीन रख देते हैं और कुछ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। विन वर्ड ऑप्शन खोलने के बाद एमएस वर्ड हमें ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम रैंडम कमांड से एक पैराग्राफ ले लेंगे और उसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस पैराग्राफ को हम कंट्रोल सी से कॉपी कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद किसी भी पैराग्राफ को हम जब सिलेक्ट करेंगे और टाइप मेन्यू पे जाएंगे तो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जिस फॉन्ट्स पे भी हम क्लिक करेंगे हमारा जो बाहर सिलेक्शन था उसका फॉन्ट बदल जाएगा। तो फॉन्ट के अंदर से मोर ऑप्शन से हम जो भी चाहें इनके फॉन्ट्स को बदल सकते हैं। उसी के नीचे एक ऑप्शन है साइज का जिसमें हम क्लिक करने पर अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ का साइज बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी हम सिलेक्शन करेंगे उसका फॉन्ट का साइज यहां से बड़ा हो जाएगा। देन सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन होता है हमारा लीडिंग। लीडिंग ऑप्शन का मतलब है यहां से लाइन स्पेसिंग। अगर आप जितना भी यहां से लाइन स्पेसिंग करेंगे आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ का लाइन स्पेस बढ़ जाएगा। आप उसे ऑटो भी रख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर लाइन स्पेस सेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे फॉन्ट साइज और लीडिंग से रिलेटेड। अब यहां पर ऑप्शन है टाइप स्टाइल। इसका मतलब आप सिलेक्टेड पैराग्राफ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद यहां से ले लेते हैं हम टाइप मेन्यू में टाइप स्टाइल के अंदर अंडरलाइन। तो आप देखेंगे सिलेक्टेड पैराग्राफ की अंडरलाइन हो चुकी है। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस का हम यूज कर लेंगे। यहां पर एक ऑप्शन है एक्सपर्ट ट्रैकिंग। एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जब भी हम किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग से टाइट या वेरी लूज पे क्लिक करेंगे तो हमारे फॉन्ट्स की जो साइज है बिटवीन द कैरेक्टर वो थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग से हम कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अब एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एक्सपर्ट कर्निंग। ये चलता है 32 बिट विंडोज के अंदर क्योंकि मेरी विंडोज यहां पर 64 बिट है और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ऑप्शन तो यहां पर खुल जाता है कि आप कितने कैरेक्टर्स का स्पेसिंग चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है उतना हमारा कैरेक्टर्स के बीच गैप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पे ओके क्लिक करूंगा तो यहां से प्रोसेस ऑफ हो जाएगा बिकॉज 32 बिट पे ये अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर आपका विंडो 32 बिट है तो आप इस कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं टाइप मेन्यू में। लिखा है हॉरिजॉन्टल स्केल। इसका मतलब आपकी सिलेक्टेड पैराग्राफ की जो जूमिंग विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल पे तो आपका जैसा अभी टेक्स्ट दिख रहा है वैसे ही आएगा लेकिन आप अगर 120 करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेच हो गया है थोड़ा सा स्क्रीन। स्ट्रेच होने के कारण वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। आप यहां से उसका हॉरिजॉन्टल स्केल वापस नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये तो बात है आप कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं उतने ऑप्शंस आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अदर के अंदर भी आप यहां से परसेंटेज डाल सकते हैं। लाइक मैं यहां पर डाल देता हूं 150% तो उतना फिर यहां पर स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस है कैरेक्टर का। कैरेक्टर में आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं लाइक आप उसका फॉन्ट क्या चाहते हैं, साइज, लीडिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कलर, ये सारी चीज आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन क्या चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अपर केस में चाहते हैं, लोअर केस में चाहते हैं, ट्रैकिंग वगैरह कैसे चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर भी कुछ ऑप्शन है लाइक आप अगर इस पैराग्राफ का थोड़ा सा स्पेसिस सेट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से तो आप यहां से लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ सकते हैं, राइट से, टॉप से या बॉटम से। ये आपका जो सेटिंग है पैराग्राफ का वो आप मार्जिन सेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
अब कुछ नीचे एक ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ जैसे कॉलम ब्रेक या पेज ब्रेक के बारे में। तो आप सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मैं इस हैंगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। रेड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं कुछ पेजेस यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। पेजेस इंसर्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो इधर आ चुका है, दूसरे पेज पे जो हमने पहले पेज पे लिखा था। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं पैराग्राफ के अंदर और छोटा सा और सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप जब जाएंगे पैराग्राफ के अंदर, तो ये ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं होगा। विजिबल ना होने का रूल ये है कि आप पहले इसकी विड्थ को वापस से पहले जैसा कर दीजिए, और जितना हिस्सा आपको कॉलम ब्रेक करना है उतना सिलेक्शन करा लीजिए। सिलेक्शन कराने के बाद आप फिर से जाइए उस कमांड पर, और कमांड पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेज ब्रेक ऑप्शन। पेज ब्रेक पे जब आप ओके करेंगे तो आपका जो मैटर है वो ब्रेक हो चुका है, और वो ब्रेक वाला मैटर इस रेड पॉइंट से अब आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो मैटर अलग अलग हैं। यहाँ से आप अगर उसे वापस हटाना चाहते हैं तो आपको वापस से जाना होगा पैराग्राफ पर। सिलेक्शन करने के बाद जो कमांड डिजेबल थी वो वापस से ओपन हो जाएगी। आप पेज ब्रेक को जैसे ही हटा देंगे आप देखेंगे मैटर वापस उसी पोजीशन पर जा चुका है। तो पेज ब्रेक यूज करने से आप मैन्युअली क्लिक करने पर रेड पॉइंट से जो भी मैटर एक्स्ट्रा आपने सिलेक्शन करा था वो अलग पेज पे आप ब्रेक करा सकते हैं। तो यहाँ से ये कुछ ऑप्शंस थे। उसके बाद ऑप्शंस पे आते हैं इंडेंट्स एंड टैब्स के बारे में। जैसे आप नॉर्मली अगर टैब प्रेस करेंगे तो टैब प्रेस करने पर आप देखेंगे टैब प्रेस करने पर आधे आधे इंचेस पर वो चल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे नंबर 8 शो हो रहा है। नंबर 8 को आप वापस से चाहते हैं 0 पर, तो कॉर्नर पे ये आपको छोटे से डॉट डॉट्स रेक्टेंगल दिखाई देंगे, उसको आपको ड्रैग करते हुए यहाँ खींचना है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ 0 सेट हो चुका है। अब जैसे ही मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो मुझे जाना होगा टाइप के अंदर, इंडेंट्स टैब के अंदर। यहां से पोजीशन मैंने ऐड करा दी है, यानी कि एक टैब तीसरे पोजीशंस पर मैंने रखवाया है और नंबर 4 डालने के बाद एक चौथी पोजीशंस पर। इसे अप्लाई करके मैंने ओके कर दिया है। अब आप कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। अब मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा आप देखेंगे ऊपर की तरफ रूलर में 3 इंचेस पर आकर हमारा टैब रुक चुका है। अब ऐसे ही जैसे मैं सेकंड टैब दबाऊंगा तो वो फिर 4 पर आकर रुक रहा है। तो इस तरीके से आप टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन आता है हाइफनेशन, इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं फिर से, और नया पेज लेने के बाद कॉपी हमने डाटा कर ही रखा है उसे पेस्ट करा देते हैं। पेस्ट कराने के बाद हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करा देते हैं। साइज इंक्रीज कराने के बाद हम यहां से इसका हाइफनेशन को ऑन कर देते हैं। साइज इंक्रीज जो होगा वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल के साथ, या आप साइज से भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर हाइफनेशन पर और कर देते हैं इसे मैनुअल प्लस डिक्शनरी पर क्लिक। जैसे ही हमने ऑन करा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग वीडियोस, यहाँ पर माइनस का साइन, कंप्लीमेंट के आगे भी माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो माइनस के साइन है ये हमारे हाइफन साइन है जो ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। आप चाहें तो हाइफन पे जाके इसे वापस से ऑफ करके भी हटा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे ऑप्शंस से टाइप के अंदर। हमने देखा फॉन्ट साइज लीडिंग, टाइप स्टाइल, एक्सपर्ट ट्रैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स, इंडेंट्स एंड टैब्स और हाइफनेशन। अब कुछ ऑप्शंस है अलाइनमेंट, जो कि नॉर्मली आपको यूज करने आते ही होंगे, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई या फोर्स जस्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मुझे फोर्स जस्टिफाई करना है, तो अलाइनमेंट से जैसे ही मैं फोर्स जस्टिफाई करूंगा तो नीचे के अगर ऑप्शंस कम भी होंगे तो वो दोनों तरफ उसको इक्वली कर देगा। ये था हमारा फोर्स जस्टिफाई। हम चाहें तो इसको नॉर्मल जस्टिफाई भी कर सकते हैं, उसमें हमारे जो ज़्यादा पैराग्राफ हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, जो नॉर्मल लाइंस हैं वो वहीं रहेगी। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे।
जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट्स के बारे में। अब आ जाते हैं स्टाइल पर। स्टाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल आप देख पाएंगे, जैसे आपको हेडिंग बनाना है, नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, वो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ पर ये चीज़ अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं हेडलाइन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ चुका है, बोल्ड भी हो चुका है, क्योंकि ये स्टाइल पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो अगर आप कोई भी स्टाइल अपनी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ऑप्शन लिखा है डिफाइन स्टाइल पर, आप न्यू पर जाइए, किसी भी नाम की स्टाइल बना दीजिए। उस स्टाइल में आप अगर कैरेक्टर बटन पर क्लिक करके कुछ भी उसका साइज देना चाहें, लाइक उसका कलर देना चाहें, उसकी पोजिशन देना चाहें, ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर से आप लेफ्ट अलाइनमेंट कितना स्पेस चाहते हैं, वो सारी सेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया नाम की एक छोटी सी मैंने स्टाइल यहाँ पर बना दी है, और अगर आप इस सिलेक्टेड पैराग्राफ पर वो स्टाइल लगाते हैं, आप देखेंगे इंडिया नाम की स्टाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग हमने इसकी करी थी डिफाइन स्टाइल में, वही चीज़ यहाँ पर आपको शो होगी। तो ये थे हमारे टाइप मेन्यू के कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। होपफुली आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो हमारा नेक्स्ट मेन्यू होगा वो होगा एलिमेंट्स मेन्यू के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।